और अब से 12 साल पहले 2012 में असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ने 15 मिनट वाला विवादित बयान दिया था। कहा था पुलिस हटा लो, पता चल जाएगा ताकतवर कौन है। अब महाराष्ट्र चुनाव में 15 मिनट वाला जिन्न फिर से बाहर आ गया है। योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर ओवैसी बंधु ने मोर्चा खोल रखा है। अकबरुद्दीन ने मोदी योगी को दुश्मन बताया, वहीं योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र में यूपी की कानून व्यवस्था को याद दिला रहे हैं, बता रहे हैं न कर्फ्यू है न दंगा है, सर्वत्र जो है चंगा स्थिति है। देखिए ये रिपोर्ट। कहते थे कि अगर अयोध्या का फैसला हुआ तो खून की नदियां बहेंगी, नो कर्फ्यू नो दंगा। जैसे हम लोग आए हमने कहा भी कावड़ यात्रा तो हम निकालने देंगे, लोगों ने कहा दंगा हो जाएगा, हमने कहा एक बार आर पार हो ही जाए, देखा जाएगा। 20 तारीख को आसमान में सिर्फ पतंग 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 रहेगी। योगी आने वाला है, योगी योगी तेरे आने के बाद अकबर भी आने वाला है। बटो मत, बटे थे तो कटे थे, एक है एक है। खुला कह रहा हूं मोदी और योगी का मैं तो दुश्मन हूं, शायद आप उनके दोस्त हैं। महाराष्ट्र की सियासत में बटेंगे तो कटेंगे पर महाभारत शुरू हो गई है। योगी आदित्यनाथ के मुकाबले ओवैसी ये कभी नहीं होने देना है। महाराष्ट्र की सियासत में ओवैसी बंधुओं की एंट्री के साथ ही विवादित बयानों की झड़ी लग चुकी है। असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अब चेतावनी दे रखे हैं और बटेंगे कटेंगे के नारे पर सियासी संग्राम छिड़ चुका है। अकबरुद्दीन ने महाराष्ट्र चुनावों में अपने 15 मिनट वाले विवादित बयान का फिर से जिक्र किया। महाराष्ट्र का रण अब और भीषण हो चुका है। एक तरफ हिंदुओं को एकजुट करने वाले योगी आदित्यनाथ हैं, तो दूसरी तरफ खुद को मुस्लिमों का रहनुमा बताने वाले ओवैसी बंधु। 4 करोड़ शिव भक्त कावड़ यात्रा निकालते हैं। याद करिए 2017 के पहले सरकारें नहीं निकालने देती थी, और जैसे हम लोग आए हमने कहा भी कावड़ यात्रा तो हम निकालने देंगे, लोगों ने कहा दंगा हो जाएगा, हमने कहा एक बार आर पार हो ही जाए, देखा जाएगा। योगी आने वाला है, योगी योगी तेरे आने के बाद अकबर भी आने वाला है, मोदी तेरे आने के बाद अकबर भी आने वाला है। हम जवाब देंगे, जिंदगी गुजर गई चाय बनाने में, लेकिन चाय क्या होती है, कैसी बनती है, चाय 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 की पत्ती, चाय की केतली, चाय का पानी, चाय का चूल्हा, चाय 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 हम बनाएंगे। 20 तारीख को पतंग 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 रहेगी। दरअसल हरियाणा में बटेंगे कटेंगे के नारे की अपार कामयाबी के बाद योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र में भी बटेंगे तो कटेंगे का नारा बुलंद किया। उन्होंने यहां कहा कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सेफ रहेंगे। उन्होंने कहा यूपी में नो कर्फ्यू नो दंगा, सर्वत्र चंगा। अयोध्या में राम मंदिर का विवाद जब न्यायालय में था तब ये पत्थरबाज कहते थे कि अगर अयोध्या का फैसला हुआ तो खून की नदियां बहेंगी। हमने कहा गफलत में हो,
ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। खून की नदियां नहीं बहने देता है। जो निर्दोष नागरिकों को, निर्दोष हिंदुओं को छेड़ता है, उसको छोड़ता नहीं है। और बहनों और भाइयों, आज आप देखते होंगे यूपी में नो कर्फ्यू, नो दंगा, सर्वत्र है चंगा। छोटे भाईजान अकबरुद्दीन ओवैसी योगी आदित्यनाथ के मुकाबले में इत्तेहाद का नारा उन्होंने लगाया, मुसलमानों से एकजुट होने की अपील की, कहा मजहब के नाम पर काटा जा रहा है। आने के बाद अकबर भी आने वाला। बटोगे तो कटोगे। लोग काफी एतराज कर रहे हैं उस बात पर, मगर मैं ये कहूंगा बीफ के नाम पर, मॉब लिंचिंग के नाम पर, घर वापसी के नाम पर, सर पे टोपी पहनने के नाम पर, दाढ़ी पालने के नाम पर जो तुम काट रहे हो, क्या ये तुम्हारी नफरत हिंदुस्तान के सबसे बड़ी अखलियत से क्या ये मुल्क को कमजोर नहीं कर रही है? अगर हिंदू और मुसलमान को तुम लड़ाओगे, हिंदू और मुसलमानों को नफरत कराओगे, तो क्या यह मुल्क को कमजोर करने के बराबर नहीं है? आदित्यनाथ ने औरंगाबाद को संभाजीनगर करने की बात भी कही और बताया, हमें ये याद रखना है औरंगाबाद को संभाजीनगर होना ही चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिस दुष्ट अफजल को मार गिराया था, उसके नाम पर औरंगाबाद का नाम होना, याद करना, इसको हटना ही चाहिए। संभाजी नगर के रूप में उसको पहचान मिलनी ही चाहिए। योगी आदित्यनाथ के बयान का जवाब बड़े भाईजान असदुद्दीन ओवैसी ने दिया। उन्होंने कहा, क्या क्या लेना चाहते हो? मस्जिद ले लेंगे हम, कब्रस्तान ले लेंगे हम, खानखा ले लेंगे हम, फुला ले लेंगे। अरे भाई साहब, आप क्या क्या लेना चाहते? क्या क्या लेना चाहते आप? याद रखो, हम भी ले सकते हैं तुम्हारी, याद रखो। आओ, 20 तारीख को हम लेंगे। क्या लेंगे वो तुमको मालूम? 20 तारीख को हम लेंगे। क्या लेंगे? धूलिया की सीट फारूक शाह के लिए लेंगे। ओवैसी बंधुओं ने बीजेपी और मोदी योगी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। अकबरुद्दीन ने अपने विवादित 15 मिनट वाले बयान के बाद खुलेआम योगी और मोदी को अपना दुश्मन बताया। मैं तो खुला कह रहा हूँ, मोदी और योगी का मैं तो दुश्मन हूँ, शायद आप उनके दोस्त हैं। बताओ, उनको जाकर बोलो। ओवैसी की पार्टी AIMIM महाराष्ट्र में इस बार 16 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जिसके प्रचार के लिए दोनों भाई फिलहाल पूरा दम झोंके हुए हैं। 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में AIMIM ने 44 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन केवल 2 सीटों पर ही जीत हासिल हुई थी। हालांकि दोनों भाइयों की एंट्री और योगी आदित्यनाथ के बयानों के बाद महाराष्ट्र के चुनावी प्रचार का पारा हाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।